हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। तो मैंने पहले भी अपनी आपके साथ मदर के गार्डन की वीडियोस जो है शेयर की हुई हैं। तो मैंने बताया भी है कि उनके गार्डन की मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं क्या है, और बिल्कुल जादुई मिट्टी है। आप देख सकते हो, ये मैंने छोटी सी जो कटिंग है पोल्का डॉट्स की लगाई थी, तो इतना तो ये मेरे पास भी ग्रो नहीं हुआ है। इसका जो आप लीफ देख सकते हो कितना बड़े साइज़ का है, और ऐसा भी नहीं है कि इस मिट्टी में कोई केमिकली इसको ट्रीटेड किया गया है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ये जो मैंने कॉक्सकॉम के प्लांट्स लगाए थे, ये छोटी वैरायटी है जिसे सिलोशिया बोलते हैं, तो इसके पत्तों जितने तो जब इसकी पौधी मैं लेकर आई थी, तो अभी आप देख सकते हो इसकी भी कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो इसका 1/3 भी मेरे पास नहीं है, मतलब जो इसका साइज़ इतना बढ़ चुका है। पता नहीं इस मिट्टी में क्या जादू है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्लांटिंग कैसे की गई हुई है। मेरी जो मदर है, क्योंकि उनकी कुछ सेहत भी ऐसी है, उनको ज़्यादा पता भी नहीं है कि किस तरह से पॉट में मिट्टी भरनी है और प्लांट किस तरह से अच्छे से ग्रो करना है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हो, ये छोटी छोटी पौध मैं ही लगा कर गई थी, तो कितनी इसके लीव्स, और आप इस साइज़ देख सकते हो और इसकी ग्रोथ देख सकते हो। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा फूल बनना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे जो प्लांट्स हैं उनमें छोटे छोटे में फूल आने शुरू हो गए थे। तो लेकिन आप इनके देख सकते हो साइज़ कितने बड़े बड़े हो गए। और ये है गॉम्फ्रीना, और ये भी इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं मेरे पास, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और इनमें फूल भी देखिए कितने अच्छे आए हुए हैं। तो इतनी अच्छी मिट्टी है, मेरी भी समझ से बाहर है कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है। तो मैं यहाँ से मिट्टी लेकर भी जाती हूँ, फिर भी प्लांट्स मेरे इतने अच्छे ग्रो नहीं होते हैं। तो शायद एटमॉस्फेयर का भी कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैक्टस और सकुलेंट के प्लांट्स हैं। ये छोटा सा मैंने कैक्टस लाकर यहाँ पे उसकी एक कटिंग लगाई थी, तो अभी आप देख सकते हो कि इसकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये शायद 2 महीने पहले मैंने लगाया था। और ये देखिए, इम्पेशियंस का प्लांट है, और सर्दियों में तो बिल्कुल ये इतना सा था, मतलब कि इसका आप 10 गुना ये हो गया है अभी। तो अभी देखिए इतनी समर है, तो समर में भी कितने अच्छे से फ्लारिंग कर रहा है, कितने अच्छे फूल बने हुए हैं। तो लास्ट टाइम जब आई थी मैं इसको शूट करना भूल गई थी, तो अभी आप देख सकते हो इसमें अभी भी कितने अच्छे से फ्लावर्स हो रहे हैं। तो इसको मैंने सर्दियों में मैंने ही लाकर लगाया था, तो बिल्कुल छोटा सा था। और ये भी एक सिलोशिया का ही एक और पौध है। आप देख सकते हो पत्तों की ग्रोथ और पत्तों का साइज़, देखिए प्लांट कितना बड़ा हो गया है। और ये भी मैंने लगाया था, और ये देखिए ये भी गॉम्फ्रीना है, इसमें भी अभी फ्लारिंग स्टार्ट हो गई है और पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और ये बालसम की है, इन्होंने छोटी छोटी पौध ली थी 10 रुपये में, तो ये भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो चुके हैं। और ये 20 रुपीज़ में लिया हुआ है विनका, जो कि हाइब्रिड वेराइटी है, काफ़ी अच्छा इसका कलर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितनी अच्छी फूल खिल रहे हैं, और फूल तो खिल ही रहे हैं, साथ में जो प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत अच्छी मिट्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुड़हल का एक प्लांट है, तो ये भी कितनी अच्छे से एक पेड़ की शेप ले रहा है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स बनी हुई हैं, और इसमें फूल आते ही रहते हैं, जब तक विंटर्स नहीं आते ये फूलों से भरा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।